Welcome back to another video. This is me, Sarshrasto. And yeah, today is 15th January and aaj hai Makar Sankranti. So yeah, तो मैं एक्चुअली बहुत लेट हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ. अभी मैं जस्ट पूजा करके आ रही हूँ और मैं बहुत ही एकदम जल्लो वल्लो पहना हुआ है. एंड या मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कुछ प्रिपरेशन है हम लोगों की पतंग वतंग की और सब लोग लग गए हैं. और एक्चुअली में ना सब लोगों ने साथ में बैठ कर लंच किया. एक्चुअली भी बज रहा है, मैं देख लेती हूँ. और एक्चुअली सबने साथ में बैठ के लंच किया बट मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं उस वक्त रेडी वगैरह हो रही थी. तो मेरा अभी लंच यहीं आएगा ऊपर ही. एंड या चलो लेट्स एंजॉय. ये दिल की पतंग को काटे आए तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके आए हम आजा तेरा तेज. ये दिल की पतंग को काटे आए तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके आए मेरी जान. सो गाइस अभी जो आप लोगों ने यार ते कपड़े सूख रहे हैं मेरे छत पे, मैं क्या करूं. सो गाइस अभी जो आपने मेरा कितने ये पतंग उड़ाने का क्लिप देखा, ये मेरे भाई ने उड़ाई हुई थी और जस्ट मैंने इसको लेके फटाक से मैंने स्लोमो बना लिया. और गाइस सब लेके बना रहे हैं. जो मेन है ना वो ये दोनों हैं. इन लोगों को आती है यार मस्त उड़ानी. और मेरे यहाँ ना सब लोग खिचड़ी खा के मतलब सब वो सामने बैठे हैं. अभी आपको मैं बैक कैमरा दिखाती हूँ. सामने बैठे हैं मेरे बड़े पापा पापा सब लोग आए हुए हैं रिलेटिव्स. तो सब सामने लॉन में बैठे हैं बिकॉज उन लोगों को पतंग से मतलब नहीं, उन लोगों को खिचड़ी से मतलब थी. वो लोग जो खा लिए एंड या वो बैठे हैं या नीचे लूनू है. लूनू ऊपर आओ, ऊपर आओ जल्दी आओ. तो गाइस मम्मा नीचे बुला रही थी खाना खाने के लिए. तो आज चलो खा लेते हैं फिर. धीरे में आ गई. तो मेरा खाना आ गया है, मैं यही खा लूंगी. पर मम्मी हम क्या है मेरा दिल इधर आ गया. सॉरी. तो चलो छत पे खाते हैं आज. दिस इज माई खाना आ गया है. मैं आपको दिखाती हूँ बैग से. दिस इज तेरी खिचड़ी भरता सैलेड चटनी और क्या है और हाँ रायता. दीदी बता रही है पीछे से मुझे. और पापड़ और मेरे नेल्स कट हो गए हैं स्कूल की वजह से. सो क्या गाइस डन विद द लंच. एंड अभी सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं और मुझे ब्लॉग करने में थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है कभी कभी. एंड यार ये पतंग उड़ाने में एक्सपर्ट है और वो नूब है. भैया अच्छा एक बार देख लो यार, ये सब ब्लॉग ना बनाओ. एक्चुअली ना भैया ने क्या किया बेटा, एक्चुअली भैया ने पतंग डिसलाइक नहीं मिलेगा मुझे, आप सब लाइक करेंगे. एक्चुअली में भैया ने पतंग अपनी पार की थी, वो भी देव ने करी थी आधी और उन्होंने पतंग छोड़ दी. वो कहीं चली गई है, वो कटी भी नहीं है, वो गिर गई है और अभी वो उसके मंजे को लपेट रहे. ये भी एक्सपर्ट है ये क्या ही. हाँ बहुत ही अच्छा. हाँ हाँ मेरे भाई है. हाँ आप
आपने रक्षाबंधन वाले व्लॉग में इन सबको देखा होगा। आई रिमेम्बर आपने सब देव को नहीं देखा होगा बिकॉज वो बनारस में था, मैंने बताया भी था। बाकी यार मैं पिक्स वगैरह क्लिक करा रही थी इंस्टाग्राम के लिए, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। नहीं आना, नहीं आना, इनको नहीं आना। एक एक्सपर्ट उड़ा रहा है, एक नूब उड़ा रहा है। एक से छूट जाएगी, एक काट देगा किसी की। देखा, वो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा। पतंग खो भी सकती है। हाँ, पतंग लुप्त हो जाती है आसमान में। ये वो देखो, उधर देखो। हाँ, स्टार। ये हाथ से पतंग नहीं उड़ाते हैं, ये ऐसे ही हो जाता है काम। थोड़ी हाथ हाथ से कौन उड़ाता है। और नाया मेरी गोदी में इतनी भारी है ना, ये बहुत भारी है। एंड सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं और सब थे मैं वॉक कर रही हूँ और सब ना छत पे मुझे देख रहे हैं, ये करना क्या चाह रही है, ये कर क्या रही है। बट इट्स ओके, आपके लिए कुछ भी। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार मेरे चैनल को, और मैं वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाना स्टार्ट कर दूँगी कुछ ही दिनों में बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़। मैंने बताया था अभी मेरे बर्थडे ब्लॉग में, इस वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। बट या मैं करूँगी। और ये देखना आप पीछे दिख रहे होंगे, सारे लोग अपने टेरिस पे आए हैं, सब लोग ये हम लोग भैया ने काट दिया यार, सच में वो प्रो हो गए हैं। दो महीने में पबजी जी का, एक महीने पता मैंने भी पबजी आता है। टू मच ऑफ फन। एंड बहुत सारे बच्चे, मेरी छत कुछ इस तरह से भरी हुई है। हाय बोलो सब लोग, हाय बोल दो, हाय। ये कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, गुड। बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा है, एकदम धूप लग रही है हल्की हल्की एंड हवा आ रही है। और आज पता है, आज ये बात है कि आज गर्ल्स भी अपने छत पर हैं और वो पतंग उड़ा रही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, गर्ल्स हैं जो कि पतंग उड़ा रही हैं अपने छत पर। ऐसे दिख नहीं पाएगा, मैं किसी को ऐसा दिखाऊंगी भी नहीं। बट क्या क्या अच्छा लग रहा है कि अब गर्ल्स भी पतंग उड़ा लेती हैं यार। मैं नहीं, मुझे नहीं आता, मैं भी सीख जाऊंगी। बट या इट्स फन। गिर रही है, देख लो हमारी पतंग ले लो, कैसे गिर रही है एक बार देखो तो। फोल्ड हो रही है कि? क्या पतंग उड़ा रही हो भाई, क्या पतंग उड़ा रही हो। अरे वाह वाह भाई वाह, पतंग वीडियो में खोजना थोड़ा मुश्किल होगा। सो गाइस, अब शाम होने मतलब 4 बज गई है तो ठंड होने लग गई है। मैंने जैकेट डाल ली यार, बहुत ठंडी लग रही थी। और ये लोग ऐसे कैसे ही है, सब ऐसे ही पतंग उड़ा रहे हैं। गॉड, भैया तो बहुत सीरियस हो चुका है यार पतंग उड़ाने के, उसमें वो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब नॉट सीरियस ले लिया है पतंग को। उसने दो पतंग काटी है, बल्कि मतलब एकदम अभी मैंने बोल दिया था ना, उसको लग गई बात, उन्होंने दो पतंग काटी है अभी। और यही चल रहा है, मैं फ़ोन चलाने लग गई थी बीच में, और मैं बोल रही थी बात कर रही थी दीदी से, हम कैमरा खोल लिए यार। बनाओ एक और। शीट यार, शीट। अरे सॉरी सॉरी यार, सॉरी, मैंने ये सारी प्लानिंग दी थी, भूल नहीं रहे तुम लोग कि ऐसे ऐसे बनाएंगे। देख रहे हो यार, पैर में फंस जा रहा है, ये लोग चिल्ला रहे हैं मुझे। ये टॉप पे सनलाइट आती है, जस्ट लव इट यार, लव इट।
सो गाइस मतलब अब काफ़ी लेट होने लगे, वेट इस बार मैं सिर्फ टाइम एक्चुअली मेरे वॉच में ना स्क्रैच भी आ गया. ओके सो 4:19 हो रही है यार अभी तो फिलहाल, एंड मुझे तो बुरा लग रहा है ना मेरे वॉच में यार स्क्रैच आ गया है. अभी मैंने टेम्पर्ड लगवाया था, थैंक गॉड मैंने टेम्पर्ड लगा लिया, एक स्क्रैच मैंने ऑलरेडी ला दिया था, फिर सभी टेम्पर्ड लग गया है तो ठीक है. एंड यार सब पतंग उड़ाने में एकदम लग गए यार, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना अच्छा मतलब ब्लॉग ऐसे कंटिन्यू कर पाऊँगी देर तक का, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सब पतंग उड़ाएंगे, बट सीरियसली सारे लोग लग गए एकदम पतंग उड़ाने में. लेकिन काफ़ी ठंडी हवा चली है, बहुत ज़्यादा एकदम मतलब हाथ ठंडे हो जा रहे हैं बिल्कुल. सो मैंने जैकेट वगैरह डाल ली है एंड मैंने फ़ोटोज़ भी ले ली खूब सारी इंस्टाग्राम के लिए. प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आप सबको सारी फ़ोटोज़ दिखेंगी वहाँ पर. एंड क्या अभी मुझे लूना को खाना देना था तो मैं वो करने जा रही हूँ. लेट्स गो. सो गाइस मैं ना यहाँ पे मुझे देव बुलाया था, देव एक्चुअली हम सब लोग थोड़ा सा आए ना यहाँ पे देखने, यहाँ पे बहुत लोग पतंग उड़ाते हैं, सो ग्राउंड है ना ये पूरी फील्ड है मेरे घर के पास, तो मैं यहाँ आ गई थी और छत पे सब लोग अपने अपने मतलब रूम में चले गए थे, भैया भी चला गया था और मैं अपने रूम में थी. मैं थोड़ा सा स्टोरी वगैरह लगा रही थी इंस्टा पे और देन ठंड बहुत लग रही थी और मैं जस्ट चेंज वेंज कर लूँगा. एंड या सो होप यू गाइज एन्जॉय द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड या व्लॉग्स मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यूसली डालूँ बिकॉज ऑफ स्टडीज यू नो दैट. सो या मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम.